हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनर। आज हम बात करेंगे हमारे एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कैंपेनियन, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने की थी इससे पहले, बहुत छोटी प्रैक्टिस की थी, मोर देन 10 मिनट्स आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो हम हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपके रिविजन को बूस्टअप मिल सके। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज कैलेंकाइमेटस सेल है क्या, बताइए बताइए। विद द न्यूक्लियस इनके अंदर क्या चाहिए, स्पेशल काइमेटिक सेल स्केल है क्या आपके पास, क्लोजली एसोसिएटेड विद द सी ट्यूब एलिमेंट। तो मेरे क्लोजली एसोसिएटेड है क्या सी ट्यूब एलिमेंट से, बता दीजिए। तो एकदम सही है, मेरा सेकंड आना चाहिए। दे लैक न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे कैंपेनियन सेल सेल है जो कि मेरे क्लोजली एसोसिएटेड विद द सी ट्यूब एलिमेंट, एकदम सही बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्पेशलाइज पैरेन्काइमल सेल क्लोजली एसोसिएटेड विद द सी ट्यूब एलिमेंट आर, कैंपेनियन सेल की यहाँ पे बात कर रहा है, कैंपेनियन सेल की यहाँ पे बात कर रहा है, कैंपेनियन सेल की यहाँ पे बात कर रहा है। हैव द पेरीफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विदाउट न्यूक्लियस। नहीं भाई, विदाउट क्या, सिर्फ न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो सेकंड गलत है। कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सी ट्यूब एलिमेंट, एकदम सही है। एबसेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, एकदम सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है। कनेक्ट बाय द पिट फील्ड प्रेजेंट विद इन बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, एकदम सही, लॉन्गिट्यूडनल वॉल से ही प्रेजेंट करता है। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आ गए, आपके बी और डी जो है आपके करेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते थे, आई थिंक सो। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ट्रैकेट्स डिफरेंट फ्रॉम द वेसल्स, जो मेरे ट्रैकेट्स है डिफरेंट फ्रॉम द वेसल्स, ऐसा क्यों है बता सकते हो। इनके अंदर हैविंग ट्यूब लाइक सेल विद ट्रैपिंग एंड की वजह से, ये इनके अंदर ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं और ट्रैपिंग एंड की वजह से ये डिफरेंट है फ्रॉम द वेसिकल्स, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। स्केलेंकाइमा फाइबर, स्केलेंकाइमा कैसे होते हैं आप बता सकते हो, थिक वॉल इलांगेटेड पॉइंटेड है, एकदम सही है। वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट आर जनरली ऑकर्स इन अ ग्रुप, ओके। द प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, ओके, ऑल आर करेक्ट, कैसे हो जाएंगे सारे ही करेक्ट है इसके बारे में, जिससे आपका स्केलेंकाइमा का पूरा रिविजन भी यहाँ पे कम्प्लीट हो गया, आई होप सो। नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, ब्लास्ट फाइबर किससे बने होते हैं, स्केलेंकाइमा कोलेंकाइमा किससे बने होते हैं बता सकते हो। ब्लास्ट फाइबर की जब भी बात करेंगे तो स्केलेंकाइमा की बात क्यों नहीं करेंगे, तो हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। द एग्जॉस्ट कंडीशन इज फाउंड इन, एग्जॉस्ट कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है आपको, एग्जॉस्ट कंडीशन आपको रूट्स के अंदर देखने को मिलती है, आपको बता दिया था, तो रूट्स के अंदर ही देखने को मिलेगी, तो फाउंड इन ओनली रूट्स, फोर्थ फोर्थ आंसर, ठीक है, एग्जॉस्ट कंडीशन। नेक्स्ट बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गन डू नॉट शो द एग्जॉस्ट जाइलम, एग्जॉस्ट जाइलम कौन सा और नहीं दिखाता, मेरे स्टेम्स इनके अंदर एग्जॉस्ट जाइलम नहीं दिखाएंगे, रूट्स मेरे दिखाते हैं, तो मेरा सेकेंड आंसर डू नॉट शो द एग्जॉस्ट जाइलम, तो मेरा रूट में होता है और उसके बाद रूट में होता है, और तो मेरा डू नॉट हैव द सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, एकदम करेक्ट है। इन डैश डैश प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स द पेरीफेरी, तो मेरे स्टेम के अंदर आपको प्रोटोजाइलम क्या देखने को मिलेगा, स्टेम के नहीं रूट के अंदर आपको प्रोटोजाइलम कैसे देखने को मिलेगा, पेरीफेरी के अंदर, और मेटाजाइलम सेंट्रल, सच अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको, एंडार्ज कहते हैं कि एक्सार्ज कहते हैं। अगर मेरा प्रोटोजाइलम पेरीफेरी के ऊपर है तो जैसे मैंने बताया प्रोटोजाइलम से जज करना, अगर पेरीफेरी के ऊपर है तो एक्सार्ज और अगर सेंटर के ऊपर है तो एंडार्ज, तो एक्सार्ज आ जाएगा, तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं आप बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं मेरे, जाइलम एंड फ्लोएम, सारा आंसर जाना चाहिए मेरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बाकी मेरे सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है ये, मेरा सिंपल टिश्यू है ये, मेरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल में कौन सा देखने को मिलता है आपको, इनमें भी नहीं, इनमें भी नहीं, जाइलम में और फ्लोएम में देखने को मिलता है, फोर्थ आंसर जाना चाहिए, जाइलम नहीं दे रखा, फ्लोएम दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट बिलोंग टू द डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब किसकी बात कर रहा है बता सकते हो आप, नॉट बिलोंग टू द डेड सिंपल, दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक इन शेप, तो मेरे आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं, एकदम सही है। दे हैव द थिक वॉल एंड लिग्निफाइन सेल वॉल, एकदम सही है, तो मेरे परमानेंट टिश्यू की यहाँ पे एकदम सही बात कर रहा है। पर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉलनट, ओके नहीं, मेरे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द पीटल ऑफ द लीव, बिल्कुल भी नहीं, तो मेरे ऐसे कौन से फीचर है जो डू नॉट बिलोंग टू द डेड सेल, तो बता दीजिए कौन कौन से मेरे बिलोंग नहीं करते हैं बता सकते हैं आप, सेकेंड और थर्ड तो जाना चाहिए यहाँ पे, फ्रूट वॉलनट में तो मिलते हैं ना आपको,
किसकी बात कर रहा है? नॉट बिलोंग टू डेड सिंपल परमानेंट इश्यू यहाँ पे बात कर रहा है ना, परमानेंट इश्यू में प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द पीटल ऑफ द लीव, मैकेनिकल सपोर्ट पीटल ऑफ द लीव को नहीं करता है तो ये नहीं जाएगा। उसके बाद फर्स्ट भी दे हैव द जनरली आइसोडायमेट्रिक शेप में भी नहीं जाएगा, ये नहीं जाएंगे, ये दोनों जाएंगे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर नहीं जाना चाहिए, तो फोर्थ आंसर यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द गिवन फंक्शन परफॉर्म बाय द कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा से कौन कौन से फंक्शन करेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, सिक्रीशन में नहीं करता, ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करता, तो मेरे दो ही चीज यहाँ पे करेक्ट जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मेटाजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्राइमरी जाइलम ऑफ द एलिमेंट। तो ऐसा जरूरी है क्या मेरा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द एग्जॉस्ट प्रोटोजाइलम, एग्जॉस्ट में प्रोटोजाइलम है लाइज टूवर्ड्स द सेंटर, ऐसा नहीं। मेरा एग्जॉस्ट में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी के ऊपर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ द बिगर एंड वाइडर ट्यूब, बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट फॉर्म में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर एंड ऑफ द स्टेम टूवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द एंड टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द रूट इन रूट्स एंड स्टेम के अंदर। अच्छा, तो मेरा प्रोटोजाइलम अगर मेरा जो अगर सेंटर के ऊपर देखने को मिलेगा तो स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा, अगर प्रोटोजाइलम मेरा पेरीफेरी के ऊपर देखने को मिलेगा तो रूट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये मेरी जो स्टेटमेंट है, फोर्थ वाली जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो बात कर रहा है, एकदम सही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाईली थिक एंड वॉल लिग्निफाइंग सेल जनरली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट एंड पल्प ऑफ द फ्रूट, कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्रूट वॉल ऑफ नट और हाईली थिक एंड वॉल आर जनरली फाउंड इन एल्ब्यूमिनस ट्रैकाइट्स फाइबर्स, किसके अंदर देखने को मिलता है? आई थिंक सो यहाँ पे आपका जाना चाहिए था स्क्लेराइट, स्क्लेरेनकाइमा में देखने को मिलता है, स्क्लेराइट की एकदम सही बात कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किससे बना हुआ रहता है? एपिडर्मल से स्टोमाटा और एपिडर्मल अपेंडिक्स, एकदम सही मेरा, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइकोम्स ऑफ एंड द रूट हेयर इज, तो सिमिलरिटी इन ट्राइकोम्स और रूट हेयर में क्या देखने को मिलती है आपको? एपिडर्मल आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ओके, अनब्रांच नहीं, प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, हाँ ट्रांसपिरेशन ट्राइकोम्स और रूट हेयर दोनों भी करते हैं, पर रूट हेयर में एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, सेक्रेटरी में नहीं आ जाता। तो मेरा एक ही सिमिलरिटी इनके अंदर देखने को मिल रही है मेरे को, एपिडर्मल आउटग्रोथ देखने को मिल रही है, एकदम सही है। द एपिडर्मस इज जनरली कवर विद द वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड वैक्सी, एपिडर्मल मेरी वैक्सी थिक लेयर क्या किसके बात कर रहा है? ये क्यूटिकल की बात कर रहा है, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर, एकदम सही है, क्यूटिकल की बात कर रहा है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस में कौन सी ही फॉलोइंग नहीं देखने को मिलती? स्टोमेटल एपरेटस देखने को मिलता है, गार्ड सेल देखने को मिलता है, सब्सिडरी सेल देखने को मिलता है, क्या आपको बता दीजिए? सब्सिडरी सेल भी देखने को मिलता है। स्केलेनकाइमेटस सेल कब से देखने को लग गया भाई, गलत है, तो मेरा पैरेनकाइमेटस सेल आना चाहिए यहाँ पे। तो फोर्थ आंसर एकदम इनकरेक्ट है, तो मेरा फोर्थ आंसर ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम कंटीन्यूअस द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी में कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी में मेरे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही प्रेजेंट होते हैं, तो सेकेंड ही जाना चाहिए, बाकी तो आंखें बंद करके कर दो। कि आपको जब भी आपको टिश्यू सिस्टम कंसिडर बल्क की बात करेगा, बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी में बात करेगा, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, ग्राउंड टिश्यू किस चीज से बना होता है? स्केलेनकाइमा कोलेनकाइमा तीनों से भी बना होता है, मेरा ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्यूटिकल इज नॉट प्रेजेंट इन रूट्स के अंदर, क्यूटिकल देखने को नहीं मिलती, लीफ और स्टेम के अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल ऑल ऑफ द लीव्स के अंदर आ जाएगा, डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम, एकदम से ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर जाएगा। तो मेरा इसके साथ आपका जो है सेकेंड पार्ट ऑफ द एनाटॉमी पूरा खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा, तो डू डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।